नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याणपुरी में खड़ा हूँ। मैं ब्रह्म सिंह, जो कि आज 10 दिन हो गए अनाज बटने को, मगर आज तक अनाज बट रहा नहीं है। जो सरकार ने घोषणा कर रखी है गरीबों के लिए, घर घर राशन पहुंचाने के लिए, लेकिन राजू डीप उधारा किसे डकारने के चक्कर में ये सारी महिलाएं परेशान हैं। घर पे खाना तक नहीं बन रहा है इनके। जो आप देखो ये लेडीज की मुझे बनी सुनो। हाँ जी, क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि हमें लाइन लग रहा है 10 दिन से, लाइन में लग के भी हमें राशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने हमें बोला 2 बार राशन मिलेगा, हमें 1 बार भी राशन नहीं मिला है। हम बहुत परेशान हैं। कौन सी कॉलोनी से हो? कल्याणपुरी से, 3 नंबर फरीदाबाद से। कितने दिन से परेशान हो रहे हो? हम 10 दिन से लाइन में लगे हुए हैं। पर तो प्रधान जो है उनका घर के सामने रोज लाइन लगता है, रोज हमें भगा दिया जाता है। कोई मान कोई मतलब नहीं हमारा, समझ रहे हैं? हम भूखे प्यासे अपने घर में बैठे, छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? जिनका बीपीएल कार्ड है उन्हें मिल रहा है या किसके किसको किसी वाले को तो बिल्कुल काट चुका है, बीपीएल वाले को मिल ही ना रहा है, ना उसको मिल रहा है, गेहूं भी ना मिल रहा है। बीपीएल कार्ड काट दिया, बीपीएल वाले को मिल गया, वो चीज हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा बीपीएल वाला। देखो भैया, बीपीएल वाला ना आईपीएल वाला किसी को नहीं मिल रहा है। 5 नंबर का फर्रा है तो भी नहीं दे रहा। हम 5 नंबर का फर्रा लेके आए तो नहीं दे रहा। देखो क्या कह रहा है भैया, देख के ये कह रहा है, देख नाम नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा। जाओ कैसे भी रहो, कैसे जाते हमारा बीपीएल है, सिर्फ गेहूं मिलता है जब भी हम सफर करके बैठे हुए हैं। और कोई है जिसका जिसका बीपीएल और उसे मिला नहीं है? हाँ जी बोलो, क्या बोल रहा था आपसे? और तुम्हें भी नहीं मिला? क्या कह दिया है? जिनकी सरकारी नौकरी है उनको घर घर जाके दे दिया है। भाइयों, ये गरीब लोग बहुत परेशान हैं, इनको अभी तक अनाज नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ते से लाइन लगाते हैं, तो पहले लाइन लगवा लेता है, फिर वीडियो में पुलिस को बुला के उन्हें भगा दिया जाता है। किसने? सरदार ने धक्का मारा था। भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे सरकार तक आगे तक पहुँचाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।